दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बेल बॉटम के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं बेल बॉटम की पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने उन हर एक खबरों को मिथक साबित कर दिया जिसमें ये बातें कही जा रही थी कि कोरोना वायरस की वजह से अभी भी देश के कई सारे स्टेट्स में सिनेमाघर नहीं खुलने वाले हैं। और भाई जहां पर सिनेमाघर खुले हैं वहां पर उन सिनेमाघरों को वैसा ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगा ऐसा कि नॉर्मल डेज में मिलता है। और इन्हीं खबरों को आधार बनाकर लगातार बेल बॉटम को लेकर एक नेगेटिव खबर कल से फैलाई जा रही थी कि भाई आज इस फिल्म का ट्रेलर ना तो लॉन्च होगा और ना ही ये फिल्म 19 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज होगी। यानी कि ऐसी खबरें कल से काफी वायरल हो रही थी हर एक सोशल मीडिया पर। लेकिन आज जब आप लोगों ने भैया इन सभी खबरों को झूठी साबित करते हुए इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया है ना, तो उसको देखने के बाद दिल से आप लोगों को सैल्यूट, आप लोगों को सैल्यूट कि आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा जिगड़ा दिखाते हुए इस फिल्म के रिलीज डेट को अब फाइनल कर दिया कि भाई दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए ये फिल्म अब 19 अगस्त को ही रिलीज होगी। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरीके से हम लोगों के सामने रखा गया है, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो भैया दिल से यही आवाज निकल रही है कि भाई ये फिल्म कम सिनेमाघर के माध्यम से, कम ऑक्यूपेंसी के माध्यम से ही कई सारे रिकॉर्ड बनाने वाली है। यानी भैया इस फिल्म का लेवल इतना जबरदस्त है, इस फिल्म का मेकिंग इतने बढ़िया लेवल से किया गया है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। तो चलिए शुरू करते हैं बेल बॉटम के ट्रेलर के रिएक्शन को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि अक्षय कुमार की आने वाली इस फिल्म की शूटिंग की जब घोषणा की गई थी, यानी भैया जिस सिचुएशन में इस फिल्म की शूटिंग को चालू किया गया, तो उस वक्त ये बातें इस फिल्म को लेकर कही जा रही थी कि भाई जिस परिस्थिति में बेल बॉटम की शूटिंग को पूरा किया जा रहा है, क्या इस परिस्थिति में ये फिल्म उस लेवल की बन पाएगी जिस लेवल की कल्पना इस फिल्म से की जा रही है। तो भाई उन सभी सवालों का जवाब आज इस फिल्म के ट्रेलर से मिल गया। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह फिल्म उस परिस्थिति में शूट की गई है जिस परिस्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, जिस वक्त पूरे विश्व में कोरोना का भय बहुत ही भयानक तरीके से फैला था। और भाई उस परिस्थिति में जब बेल बॉटम की पूरी टीम बाहर निकली थी इस फिल्म के शूटिंग के लिए, यानी कि इस फिल्म के शूटिंग को लेकर यह जानकारी तो आप लोग जानते हो कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग देश से बाहर की गई। और आज जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया तो भैया इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई ये फिल्म तो नॉर्मल डेज में शूट की गई है, यानी कि इतने बेहतरीन लेवल पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। यानी भैया ये फिल्म किसी भी मामले में ऐसी नजर नहीं आ रही है कि भैया हड़बड़ाकर या फिर बहुत ही तेजी में इस फिल्म का काम कंप्लीट किया गया हो। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद यह बात तो साफ हो रही है कि इस फिल्म की शूटिंग भले ही बहुत तेज गति से की गई हो लेकिन इस फिल्म के मेकिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर के पहले शॉट में आप देखोगे कि एयर इंडिया का एक एरोप्लेन जो है वो एक एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है, जिसके बारे में यह बात बताई जा रही है कि इस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया है 4 आतंकवादियों के द्वारा। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी पहले दी है कि भाई ये फिल्म जो है वो एक रियल इवेंट के ऊपर आधारित है। यानी कि ये प्लेन हाईजैक जो हुआ था इंडिया का वो हुआ था सन 1984 को। और भाई इस हाईजैक हुए प्लेन में 210 यात्री उस वक्त सवार थे जिनको हाईजैक कर लिया गया था 4 आतंकवादियों के द्वारा। यानी कि वह उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी इस हाईजेक हो चुके प्लेन को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत करती है जिसे लीड कर रहे होते हैं बेल बॉटम। यानी कि भैया आज इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से यह बात भी साफ हो गई कि भैया इस फिल्म का नाम बेल बॉटम क्यों रखा गया है। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि हमारे देश की जो सबसे खुफिया एजेंसी है वो है रॉ, और रॉ में काम करने वाले हमारे जितने भी खुफिया एजेंट होते हैं उनका एक कोड नेम होता है, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का जो कोड नेम है वो है बेल बॉटम। यानी कि जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो अक्षय कुमार का जब इंट्रोडक्शन शॉट हम लोगों के सामने रखा जाता है तो उसके बारे में यही बात बताई जाती है कि भैया उनका जो कोड नेम है वो है बेल बॉटम। और उसके बाद जब उनका इंट्रोडक्शन शॉट हम लोगों के सामने आता तो भैया उनका वो लाइन भी हम लोगों के सामने आता जिसके बारे में अक्षय कुमार ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सबको बताया भी था कि भाई ये शादीशुदा है, शार्प माइंडेड है, चेस खेलना पसंद करता है, गाना सिखाता है और उसके साथ कई सारे लैंग्वेज जानता है। यानी कि अक्षय कुमार इस फिल्म में टैलेंट के धनी है और वो कई सारे गुणों से संपन्न है, और उनको ये काम दिया गया है। यानी कि ये जो हाईजेक हो चुका प्लेन
कैंपेन है, इसको छुड़ाने का जो जिम्मा है वो मिलता है अक्षय कुमार को दिया जाता है। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर को जब आप देखोगे तो इसमें अक्षय कुमार की एंट्री होती है और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से हाईजेकर्स के हाथ से इस प्लेन को छुड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म का ट्रेलर बहुत ही दमदार है। इस ट्रेलर को देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि भाई जब ये फिल्म आएगी सिनेमा घर में तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ही बनाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है जब ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो भैया ये फिल्म धमाकेदार रिकॉर्ड बनाएगी कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।